विदिशा जिले के पठारी में लगभग 38 लाख रुपए की लागत से गौशाला का निर्माण कराया गया है, जिसमें लगभग अभी 25 लाख रुपए का भुगतान हो पाया है और 13 लाख रुपए का भुगतान नहीं होने पर कलेक्टर उमा शंकर भार्गव ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को कड़े शब्दों में फटकार लगाते हुए एक सप्ताह में मूल्यांकन करवाकर शेष भुगतान के निर्देश गौशाला के निरीक्षण के दौरान दिए हैं। गौरतलब है कि पूरा भुगतान नहीं हो पाने के कारण गौशाला का निर्माण अधूरा बना हुआ है, जिसमें सरकार की मंशा पूरी नहीं हो पा रही है। कलेक्टर ने 15 दिन के अंदर गौशाला का निर्माण कार्य पूर्ण कराने के निर्देश जनपद सीईओ को दिए हैं। विदिशा पठारी से आशीष सहले की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।